हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू द क्लास। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कंसंट्रेशन टॉपिक। हमने उसके बेटे 5-6 लेक्चर ले लिए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। नाउ इसी न्यूमेरिकल की सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं बेटे, एंड इट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बच्चों, मैं आपको बताता आया हूं फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स, ये जो टॉपिक्स हैं बेटे, यहीं खत्म नहीं होंगे। आप ये समझ लीजिए, जैसे कि हमने बात की मॉल कॉन्सेप्ट की, कंसंट्रेशन टॉपिक की, एक मैं ये करवाऊंगा स्टोइकियोमेट्रिक की बेटे, या एम्पिरिकल फार्मूला की। ये आपकी पूरी केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी रीढ़ की हड्डी मान लो बेटे। जब तक किसी स्टूडेंट को ये न्यूमेरिकल क्लियर्स नहीं होंगे, ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, आगे बेटे फर्दर केमिस्ट्री में हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए बेटे, ये आपके फर्स्ट स्टेप हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए। इसीलिए देखो ना, चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, क्योंकि आप 10th से बेटा 11th में नए बच्चे आए हुए एकदम, तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल आराम से करेंगे। कोई डाउट है कोई भी बेटा किसी तरह का, यू कैन फ्रीली आस्क मी। ओके, करें टॉपिक आज का स्टार्ट। तो टॉपिक है बेटे अपना स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो स्टोइकियोमेट्री है बेटे, ये दो ग्रीक वर्ड से जुड़ के बना है। पहला बेटे स्टोइकियोन, एंड इट्स मीनिंग व्हाट, एलिमेंट, एंड सेकंड इज योर मिस्ट्री, दैट इज टू मेजर। यानी बेटे क्या है, टू मेजर एन एलिमेंट। अब एलिमेंट का क्या मेजरमेंट करना है हमने, उसका मास क्या है बेटे, उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वॉल्यूम कितना, वो सारी चीजें देखेंगे हम, कराएंगे बेटे, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं अबाउट केमिकल इक्वेशन की। जैसा कि बेटे आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है केमिकल इक्वेशन के बारे में, पढ़ा हुआ ना कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जो आपकी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है बेटे, उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ बच्चों, कोई भी आपकी केमिकल इक्वेशन है बेटा, ठीक है। चले करें स्टार्ट। तो लेट अस टेक, इट इज अ जनरल इक्वेशन। ये मैंने बेटा कोई भी आपकी जनरल इक्वेशन ले ली, ओके। सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि जो आप लेफ्ट में लिखते हैं वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स। तो ये ए एंड बी, ये क्या है बेटे, आपके रिएक्टेंट्स हैं। सी एंड डी, ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ दिस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये कहलाते हैं बेटे क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जो आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो बेटा, फिजिबल केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन पहली बात फिजिबल होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ कंपाउंड उठाए और लिखना नहीं है बेटे, केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली एक्चुअली होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आप बैलेंस करते हो, बैलेंस करने के लिए जो न्यूमरल आप वैल्यू यूज करते हो बेटा, और रिएक्टेंट के आगे लिखते हो या प्रोडक्ट के आगे लिखते हो, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। पता है आपको सारा, ये बढ़ू मैं आगे। अब केमिकल इक्वेशन में क्या खास बात होती है बेटे, हम दो लॉ फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्या है बेटे, कि भाई जो एटम्स हैं, जो एटम्स में बात कर रहा हूं, एटम्स की, कंपाउंड की नहीं बेटे, एटम्स की, जो एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड हैं, वही एटम्स बेटे आपके प्रोडक्ट साइड होंगे। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि किसको फॉलो करेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ गए बेटे। यानी जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड हैं, वही एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड होंगे, टाइप वही। दूसरी बात, सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, जितने एटम्स, टाइप भी वही, कोई अलग नहीं होने चाहिए एटम्स। यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एटम्स आपके टाइप सारे के सारे सेम टाइप के हों। दूसरी बात, नंबर भी सेम हो,
नंबर सेम क्यों लिखे बेटे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करेंगे. मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. बात समझ में आई बेटे? जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लू, भाई मैंने ये लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, आपने इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 लिखा. अब एक बात आओ बेटे, यहां पर पहली बात देखो, ये वन है, वन को लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है. ये वन क्या हुआ बेटे? आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ. क्लियर हुआ बच्चों? अब मैंने क्या कहा, यहां कौन कितने टाइप के एलिमेंट, मैं बात कर रहा हूं पहले टाइप, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, यहां भी कैल्शियम रहा है बेटे, कार्बन है और ऑक्सीजन है. तो टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? सेम, पहली बात. ठीक है, सेकंड बेटे नंबर देखना, कैल्शियम कितने हैं? वन. कार्बन कितने हैं? वन. ऑक्सीजन कितने हैं? थ्री. क्या यहां भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही होगा, कैल्शियम वन, कार्बन वन, ऑक्सीजन. तो यानी बेटे इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहली बात, जो आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इट मस्ट बी बैलेंस्ड. बैलेंस क्यों लिखते हैं? ताकि हमारा, बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बेटे वो हम फॉलो कर सके. बोलो क्लियर हुआ? अब टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स क्या है? सेम. तो मास भी क्या रहेगा? सेम. बस सिंपल बात है बेटे. बोलो क्लियर है? आगे बढ़ू? ओके चलो, नोट करो शाबाश इसको, बढ़े आगे करो साहब. ओके बेटा, देखिए अब मुझे ये बताइए कि एक केमिकल इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं. इंफॉर्मेशंस की बात है बेटे. जैसे बच्चों मैंने कोई इक्वेशन लिखी, लेट सिंपल सा लिखते हम, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव राइज टू टू एन एच थ्री, मैंने ये लिख दिया बेटा. अब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है. अब जो ये वन लिखते हो, थ्री लिखते हो या टू लिखते हो, इसका मतलब आपको समझना है क्या, कि भाई मैं ये कहूंगा कि एक मॉलिक्यूल यदि मैं एन टू का लेता हूं तो थ्री मॉलिक्यूल्स मुझे किसके लेने पड़ेंगे? एच टू के. तो टू मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे? अमोनिया के. क्या ये आपको बात समझ में आई? बढ़ो बेटे आगे. यानी रेशो क्या रहेगी? वन इज टू थ्री इज टू टू, ये इनकी रेशो रहेगी. ठीक है, और यदि मैं यहां ये लिखता हूं कि 6.023 10 एस टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स किसके ले लिए? एन टू के. तो यहां क्या लेना पड़ेगा? 3 इंटू दिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक लिया 3 तो ये 2. अब मैंने कितने ले लिए? एवोगाड्रो नंबर. क्लियर है? तो यहां 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो. यहां क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा बेटा. बोलो क्लियर है? ओके, अब ये किसके बराबर हुआ बच्चों? 1 मोल. ये बच्चों 3 मोल, ये 2 मोल. क्लियर है? नाउ यदि आप अब मास की बात देखें, N2 28 ग्राम, H2 कितना होता है? 2. 2 इंटू 3 6 ग्राम. अमोनिया 2 इंटू 7 17 एंड दैट इज योर 34 ग्राम. एक बार ये देखिए क्या मास सेम है बेटे? बिल्कुल है. देखो 28 प्लस 6 34. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? वो वैलिड है, होना भी चाहिए, हम इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, एक्सेप्ट किसमें बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन में. याद करो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ नहीं लगता है, मैंने बताया था आपको. ठीक है, और एक क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है यदि मैं बात करता हूं वॉल्यूम की? तो ये तो बात की बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, मोल्स की, वेट की. वॉल्यूम की यदि मैं बात करूंगा बेटा, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी. यहां बेटे 3 इंटू 22.4 लीटर, यहां बच्चों
2 × 22.4 liter. आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, यानी एक केमिकल रिएक्शन से या एक केमिकल इक्वेशन से क्या क्या मुझे इंफॉर्मेशन मिली। पहली कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करेंगे और कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स के बनेंगे, क्लियर हुआ। दूसरी बात, मोल्स, कितने मोल्स रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कितने मोल्स प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर कितना वेट रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करेगा, कितना वेट प्रोडक्ट का बनेगा। कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करेगा और कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का बनेगा बेटे। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे एक केमिकल इक्वेशन से मिली। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलो बेटे आगे नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश, डू फास्ट। चले, बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे। देखो कई बार है ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, हाफ एन टू थ्री बाई टू एच टू गिव राइज टू टू एन एस थ्री। देखो यदि मॉलिक्यूल की भाषा में बोलू ना मैं, तो हाफ मॉलिक्यूल एन टू का एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटे। मॉलिक्यूल तो एक नंबर है ना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि मान लो बेटे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स गिनने हैं, मुझे कैसे गिनूंगा, ऐसे गिनूंगा ना 1, 2, 3, 4। ऐसा तो नहीं कहोगे आधा ये आधा वो, नो ऐसा तो नहीं करेंगे ना बेटे। यानी किसी को भी आप नंबर दोगे तो ऐसे गिन पाओगे 1, 2, 3। ओके, लाइक दीज आर टू पेन, ऐसा नहीं कहोगे ना बेटे हाफ पेन ये है और हाफ पेन ये। तो बेटा आप इक्वेशन को ऐसे ना लिखें, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, ये फंडामेंटली गलत है बेटे। ओके, दैट इज फंडामेंटली रॉन्ग। बट जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आएंगे इसकी बेटा, ये ध्यान रखना। पर ना लिखे तो बेटर है आप इस तरह लिखें, यहां भी सेम आंसर आएगा और वहां भी सेम आंसर आएगा, क्लियर है। किसका आंसर आएगा, थोड़ा वेट करो, मैं अभी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। बोलो बटे आगे चले, ठीक है बेटा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे, समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है बेटा, रट्टा मारोगे तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे, ध्यान रखो चीज को, ठीक है। चलिए अब स्टाइकोमेट्री में बताना क्या है, आप ये देखना कि इस टॉपिक में हम पढ़े क्या। बेटा ये तो पता लग गया मुझे कि भी केमिकल इक्वेशन से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इस टॉपिक में क्या है, क्या पढ़ना है हमें, ये देखना है बच्चों, मुझे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यही में दो चीजें हैं ना मेरे पास। इसमें मुझे ये बताना है कि दो रिएक्टेंट मैंने ले लिए ए प्लस बी सी प्लस डी, कि ये कितने मोल आपस में रिएक्ट करेंगे, वो तो मुझे बैलेंस इक्वेशन से पता लग जाएगा, ठीक है। उनके अलग यदि कुछ दे रखा हो, मान लो बेटे यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, ये क्या शो कर रहा है कि एक मोल ए का 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, पता लग रहा है हमें। क्वेश्चन दे दिया, बताओ यदि 3 मोल ए के हैं तो बी के कितने मोल लगेंगे, तो बता सकते ना, 1 मोल के लिए कितने लगे 2, 3 के लिए कितने लगेंगे, डबल कर दो 6 मोल लग जाएंगे बस। तो यानी बेटे स्टाइकोमेट्री में हमें क्या बताना है, पहली बात जो बैलेंस्ड इक्वेशन से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, फिर उनसे अलग कोई वैल्यू दी जाएगी, फिर बाकी वैल्यूज आपको निकालनी है, बस ये है स्टाइकोमेट्री में बेटे। करें आगे बढ़े, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन समझाऊंगा बेटे सारे। तो पहला टाइप है इसका मास मास रिलेशनशिप, ठीक है, मास मास रिलेशनशिप। सुनो बेटा, बिल्कुल आसान है बच्चों, बहुत आसान है, समझेंगे। तो न्यूमेरिकल बेटे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O निकालना है, CO2 निकालना है एंड O2 निकालना है, ठीक है, बाय कंबस्शन ऑफ, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ CH4। ये दे दिया बेटे। देखो बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं पूरी केमिस्ट्री मिलेंगे आपको, तो धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर्स की कुछ इक्वेशंस हैं जो यहां यूज होती हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा बेटे, फिफ्थ चैप्टर में ही करेंगे,
यानी एक्सटेंडेड फॉर्म आगे आएगा इस टॉपिक का, तो फिलहाल आज हम सिर्फ बेसिक करेंगे बेटे, ठीक है ना। अब जैसे आपको दे दिया कि कंबस्शन ऑफ CH4, अब आपको बेटे ये समझ में आना चाहिए भाई कंबस्शन ऑफ CH4 है क्या। जब तक इक्वेशन नहीं लिख पाओगे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, फिर बैलेंस करनी आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो काफी सारे स्टेप है बेटा इनमें। तो CH4 की कंबस्शन, बेटे कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर दो, कंप्लीटली बर्न कर दो, ठीक है ना। अब ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन और कार्बन हो डेट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बताओ कितना आसान है ना। किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब आप ऑक्सीजन कंबस्शन करते हो बेटा, कंप्लीट कंबस्शन, मैं बार बार कह रहा हूं कंप्लीट, तो प्रोडक्ट फिक्स होते हैं CO2 एंड वाटर, और कोई नहीं बनेगा बेटे, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए फॉर बैलेंसिंग यहां पर फॉलो CHO रूल। CHO रूल क्या बेटे, पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, और लास्ट में फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो। देखो एक बार, कार्बन वन कोई जरूरत नहीं, हाइड्रोजन यहां पर 4, यहां पर 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ऑक्सीजन यहां पर 2 2 प्लस 2, यहां पर 2 कर दो, बस। देखो आपको बेटे हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपने आप हुआ मिलेगा। अब सुनो, इस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या हम वो लिख सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं एक बार। CH4 पहली बात मैं ये लिख दूं बेटा कि यहां पर 1 मोल, बोलो यहां पर 2 मोल, यहां पर 1 मोल, यहां पर 2 मोल, बोलो मुश्किल है क्या, नहीं ना। 1 मोल इज इक्वल टू NA मॉलिक्यूल, NA क्या बेटे एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, मैं NA लिख देता हूं, यहां पर 2NA, यहां पर NA, यहां पर भी 2NA, बोलो ठीक है। अब मास बेटे 16 ग्राम, यहां पर 64 ग्राम, यहां पर बच्चों 44 ग्राम, और यहां पर 36 ग्राम। ऐड करें एक बार, क्या मास सेम है, यस 80, दोनों को जोड़ो, यहां पर भी बेटे 80, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो हो रहा है, यस, तो हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस्ड, बोलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे कि भाई मुझे कंबस्शन करनी है 8 ग्राम ऑफ CH4 की, तो बताओ O2 कितना लगेगा, CO2 कितना बनेगा, और वाटर कितना बनेगा, और क्या दे रखा है 8 ग्राम ऑफ CH4, ये आपको गिवन है, और मुझे ये अमाउंट निकालना है। बहुत आसान है बेटे, बिल्कुल इजी है। कैसे निकालेंगे, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या पता लग रहा है मुझे, यदि मीथेन 16 ग्राम है तो O2 कितनी चाहिए 64, बिल्कुल सिंपल तरीके समझा रहा हूं पहले, ठीक है, बाकी आप निकालना। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड कितना बेटे, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मैंने यहां से देख के लिखा है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, यहां से देख के लिखा है 1 ग्राम 64/16, कितना दे दिया आपको क्वेश्चन में 8 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आ गया 32 ग्राम। बताओ समझ में आया नहीं आया, तो इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं बेटे, बताई कर ली है, आगे बढ़ू। अब सुनो क्या करना आपको बेटा, अब मास ऑफ CH4 अपॉन मास ऑफ O2, ये है 16 ग्राम और ये है 64, ये इक्वेशन लगा लो बेटे, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इस तरह टाइम लग जाएगा आपको। ये देखो मास ऑफ CH4 अपॉन मास ऑफ, ये कौन सा है बेटे, कोई एक दे रखा होगा और कोई एक निकालना है, रेशो तो वही रहेगी ना, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, रेशो वही रहेगी। देखो यहां कितना है 1:4, यदि ये एक दे रखा है तो बेटा 32। देखो बैलेंस इक्वेशन में कितना आई रेशियो 1:4, कैलकुलेशन में भी कितनी आई 1:4, यानी बेटा रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी, मास चेंज हो जाएगा,
वो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, मास चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे, बट रेशियो डैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर है? देखना एक बार, एक निकाल के दिखा रहा हूं मैं। मास ऑफ CH4 कितना दे रखा था आपको? 8 ग्राम। मुझे किसका निकालना है? मास ऑफ O2, ठीक है, इज इक्वल टू 16/64। देखो मास ऑफ O2 आ गया ना, 8 × 64। ये देखिए बेटा, एंड दैट इज योर 32 ग्राम। बस सिंपल है बेटे, बहुत आसान है, हर एक में आपको ये लगाना है। मुझे मान लीजिए CO2 का मास निकालना है, मास ऑफ CH4 कितना दे रखा है? 8 ग्राम। मास ऑफ CO2 यहां कितना लिखा? 16, पर यहां कितना लिखना पड़ेगा मुझे अब? 44। कितना आ गया आंसर? 44 × 8/16। आंसर कितना आया? 22 ग्राम। बस बेटे बिल्कुल आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब मान लीजिए आपको वाटर निकालना है तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ CH4 कितना है? 8। मास ऑफ मुझे किसका निकालना है? वाटर, 16/ क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 36। कितना आ गया बेटा? 8 × 36/16, एंड दैट इज योर 18 ग्राम। बताओ मुश्किल है क्या? तो आप ये फॉर्मूले पुट करना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बेटे, इतने ग्राम इतने दे रहा है ये, वो मत करें, यहां से तरीके से चलिए। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश, एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। बढ़े आगे, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, देखिए बेटा, तो हर एक में यही करना है, कुछ अलग से कुछ नहीं बेटा, यही करना है आपको, डोंट वरी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा इक्वेशन दे दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले लो बेटा आप, तो कुछ भी हो, ठीक है, बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस 2H2, ठीक है बच्चों, और ये लो हमने पहले बैलेंस कर लिया बेटे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको 4 ग्राम ऑफ NH4Cl दे रखा है, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ NH4Cl आपको दे रखा है, बाकी सबका मास निकालना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। एक बार बेटे इनका मास जरूर निकाल के लिख लीजिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मैं लिख देता हूं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास है बेटा 74 ग्राम, यहां है बेटा 2 × 53.5, दैट इज 107 ग्राम, ये बेटा 111 ग्राम, एंड दिस इज योर 2 × 17 = 34, 2 × 18 = 36। ये निकालने बेटे तब क्वेश्चन सोल्व होगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मुझे इसका निकालना है, क्या क्या लिखेंगे? मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक लिख देता हूं मैं इधर, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन मास ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू, रेशियो वही रहेगी, ध्यान रखना रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी, बताया था मैंने अभी, 107। बस निकालो एक बार, कैल्शियम दे क्या रखा है आपको? NH4Cl का मास दे रखा है, ठीक है, मुझे वेट ऑफ कैल्शियम या मास बात एक ही है बट अटेंशन मत लेना, ठीक है, यहां दे दिया 4 ग्राम, 74 107, निकाल सकते हैं बेटे हम। बोलो कोई डाउट है किसी को? तो जब आप ये निकालेंगे बेटे, आंसर आ गया आपका, मैं सीधा लिख रहा हूं बेटे, प्लीज अपने आप सॉल्व कर लेना, 2.766 ग्राम। मान लीजिए मुझे अब इसका निकालना है, मैं क्या करूंगा बेटे, मास ऑफ या वेट ऑफ CaCl2 अपॉन NH4Cl, क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू 111, नीचे क्या लिखूंगा बेटा 107, तो क्या आ गया 111 × 4/107। बोलो निकाल लेंगे क्या बच्चों हम ऐसे, बताओ कोई डाउट हो तो, यस और नो, ओके। अमोनिया बेटे, मास ऑफ अमोनिया अपॉन मास ऑफ NH4Cl, ऊपर कितना लिखूंगा मैं 34, नीचे लिखूंगा 107, तो क्या आ गया बेटे 4 × 34/107। लाइकवाइज बेटे आप वाटर का निकाल लीजिए, बस। तो ये आपके फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे बेटे, मास मास रिलेशनशिप, क्या समझ में आया आपको?
मैंने बताया रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बस इस बात को पकड़ लेना, बस भूलना नहीं है, ठीक है। बटे आगे बोलो बेटे, सेकंड है बच्चों मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। आज तो बिल्कुल आसान आसान न्यूमेरिकल ले रहे बेटे। अभी देखो मैंने बताया आपको पूरी केमिस्ट्री में चलेंगे ये बेटे आपके, ठीक है ना। अभी इंट्रोडक्शन एज अ इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूं बेटे आपको न्यूमेरिकल्स, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप सेम तरीका है बेटे, कुछ भी चेंज नहीं है। आपने क्या किया था, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ अनदर कंपोनेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल मास अपॉन मॉलिक्यूल मास, ये किया था ना आपने। अब जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं एक, लेट देखो बेटा क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। भाई ये दे दिया आपको, ये कह दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा एट STP। बिल्कुल आसान है, ठीक है बच्चों। देखो मास लिखो पहले, देखो मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां लिखो मास, ये आता है बेटे आपका 100 ग्राम, ये आता है 56 ग्राम और ये आता है 44 ग्राम, आता है ना। मोल कितने हैं, 111। क्या मैं यहां पर और 22.4 लीटर लिख दूं एट STP, क्या इसमें किसी कोई डाउट है, बोलो नहीं है ना। चलो ठीक है बेटे, फिर वही करो, क्या मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 रेशियो सेम रहेगी, ध्यान रखना इस चीज को, इज इक्वल टू 100 बाय 22.4। 100 मैंने किसके लिए लिखा, इसके लिए। अब इसका वॉल्यूम, मास नहीं, अब इसका वॉल्यूम, एक रिलेशनशिप है मास और वॉल्यूम के बीच में। बताओ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे दिया आपको, 25 अपॉन बेटे वॉल्यूम ऑफ CO2 मुझे निकालना है, 100 अपॉन 22.4 क्या गया बेटा, 25 × 22.4 अपॉन 100। बस मुश्किल है, बोलो नहीं ना। तो आंसर कितना आ गया, 5.6 लीटर। बताओ क्या न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है बेटे, क्लियर है। चलिए नोट करो एक बार, बढ़ो आगे बेटे, चलिए ना एक क्वेश्चन और कर ले। ये आपका IIT में पूछा गया बेटे, सब्जेक्टिव जब पेपर हुआ करते हैं आपके IIT के, देखना अपने आप सॉल्व करोगे कितना मुश्किल क्वेश्चन है, देखो एक बार अपने आप, कुछ भी नहीं है बेटे क्वेश्चन में, एक बार ठान लो बस करने की, ठीक है ना। क्या कहता है, हाउ मैनी लीटर ऑफ O2 एंड CO2, यानी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2, हम इस तरह लिख देते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2 है बेटा, कब, जब कंबशन हुई है 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, इसकी मैंने क्या कर दी, कंबशन कर दी बेटे, निकालना है। बताओ क्या, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, 10th में आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आसान है। क्या करनी है, कंबशन, क्या है ये, एक हाइड्रोकार्बन, और क्या बताया मैंने, हाइड्रोकार्बन की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे या कंबशन करेंगे हमेशा क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस H2 मिलेगा। बताओ क्या रहेगा इसमें, ठीक है बैलेंस, पहले बैलेंस कार्बन करेंगे, यहां 3 है यहां 3 कर दो, फिर बैलेंस क्या करोगे, हाइड्रोजन 8, 2, 4 कर दो, अब ऑक्सीजन 6, 10, 5 कर दो। बताओ आ गया बेटा समझ में, चलो आगे। हाँ सुनिए, अब क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम, मास कितना है बेटे, C3H8, ठीक है 36 और 8, ये मास आया 44 ग्राम, क्लियर है बच्चों। यहां मुझे मास की जरूरत नहीं है, मुझे तो इनका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है,
जो दे रखा हो, देखो अब क्या समझना है, फटाफट कैसे सोल्व करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। प्रोपेन का दे रखा है मास, तो उसके नीचे लिखो मास, क्लियर। O2 का निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखो ना सीधे, मास क्यों लिखना है हमने। तो क्या करेंगे, 5 × 22.4, यहां बेटे 3 × 22.4, क्लियर। अब ये क्या दे दिया, 2.2 ग्राम। अब मुझे ये निकालना है, बताओ मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा। कैसे करेंगे, मास ऑफ प्रोपेन अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 किसके बराबर, 44 × ये लो बस। अब मास ऑफ प्रोपेन कितना दे रखा आपको, 2.2, वॉल्यूम ऑफ O2 44। बताओ बेटे क्या इसमें कहानी लिखनी है, बताओ कैसे करोगे, 2.2 / 44 बस निकाल दो, क्लियर है। बोलो आगे बढ़ूं, यस और नो, ओके। चलिए तो आप जब इसे सोल्व करोगे, मैं आंसर देता हूं बेटे, ये आया हुआ है 5.6 लीटर, ठीक है। ऐसे ही हम CO2 का निकाल सकते हैं, 2.2 वॉल्यूम ऑफ CO2, ये किसका मास था, प्रोपेन का, बराबर कितना रखेंगे, 44। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना स्टैंड इक्वेशन में, दिस, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ गया, 2.2 × 3 = 22.4 / 44। निकाल दो बेटे, बताओ क्या करना है इसमें, आया क्या समझ में। चलो क्वेश्चन नोट करो, शाबाश, फिर आगे बढ़ते हैं, डू फास्ट। चले ओके बेटे, आगे देखो, बहुत आसान बच्चों, समझ लोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप देख लेते हैं, थर्ड है बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी वॉल्यूम ही दे रखा होगा किसी का और दूसरे का भी वॉल्यूम निकालना है। मास मास से क्या समझे, एक का मास दे रखा है, दूसरे का मास निकालना है, मास वॉल्यूम, एक का मास दे रखा है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मान लीजिए बेटे हमें क्वेश्चन दे दिया गया, भाई कंबशन करनी है मुझे इथेन की, C2H4O2CO2H2O, ठीक है। नाउ दिस इज योर 2, ओके, एंड अगेन दिस इज 2, एंड यहां पर 3। गिवन है बेटे वॉल्यूम ऑफ C2H4 दे रखा है एट STP 5.6 लीटर, ठीक है। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2 क्या होगा, ठीक है, या मैं साथ साथ पूछ लूं मास ऑफ H2O भी क्या होगा। चलो सारे निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं बच्चों इसमें। वॉल्यूम किसका दे रखा है, C2H4, यहां कितना है, 1 मोल, फिर 1 मोल तो बेशक आप मोल की टर्म से तुम्हें तो लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हां जी, 1 मोल का वॉल्यूम दिस वन, किसका निकालना मुझे, पहले लिख लो बेटा एक बार, ठीक है। वॉटर का मास, तो मैं मास लिखूंगा कितना, 18 × 2 = 36, ठीक है। क्या निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ O2, आसान है, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, सॉरी क्या था बेटे, इथेन था, आई एम सॉरी, दिस इज हेयर इथेन अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 किसके बराबर, 22.4, ये किसके बराबर, ये था बेटे, ठीक है। क्या गिवन है, 5.6 गिवन है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम O2 निकालना है, दिस वन किसके बराबर आया, 5.6 × 3 × 22.4 / 22.4, निकाल दो बेटे, बस कुछ भी नहीं है, बढ़े आगे। ऐसे ही क्या वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ये किसका वॉल्यूम लिया था आपने O2 का, यहां किसका लोगे, अब
CO2 का क्या गया 5.6 into 2 into this one upon this one, निकाल लो बेटे, बस कुछ भी नहीं है। मास ऑफ H2O निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस मास ऑफ H2O, ठीक है, यहां कितना रखूंगा मैं 36, तो आ गया आंसर, बस 5.6 into 36 ये आ गया मास बेटे। वॉल्यूम 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 ये क्या हो गया, वॉल्यूम मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, बताओ मुश्किल है क्या, बोलो नहीं ना, चलो करो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया आगे ठीक है करो साहब। ओके बेटा, फिर एक आपका मोल मोल और है, ये और ले लेते हैं, चलो मोल मोल एनालिसिस या रिलेशनशिप आ जाए, देखो बच्चों क्या ध्यान देना है, इक्वेशन से समझाता हूं मैं आपको, ठीक, यही जो मैंने क्वेश्चन लिखी थी C2H6 लिखा था या 4 था, लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था बेटे C2H4 इथिन ले रखा था हमने, C2H4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। बच्चों यहां एक ध्यान से समझो आप, क्या यदि इसका मैं एक मोल ले रहा हूं तो इसके 3 मोल लग रहे हैं, इसके 2 मोल बन रहे हैं और इसके भी 2 मोल बन रहे हैं, मेरी बात समझ में आई आपको? ओके, अब क्वेश्चन आ गया क्या, यदि ये 5 मोल है, आपको C2H4 5 मोल दे दी तो ये कितनी बनेगी, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, वही करना है आपको, ठीक है, क्या करना है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, बोलो अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ध्यान से समझना बेटा, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे मैंने लिख दिया यहां C2H4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O। ये रेशियो जो लिखी है बच्चों ये आपकी सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, बोलो क्लियर है ना, सुनो अब यह कितने दे दिए 5, ये बेटा कितना है 1, क्लियर, मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं O2 के, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है O2 का 3, ये निकालना है कितना आ गया 5 into 3 आंसर 15, आएगा समझ बेटे, ये 5 गिवन है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 1 पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है 3 आ गया आंसर, ये निकालना हो 5, ठीक है बेटा 1 इज इक्वल टू एन ऑफ CO2 निकालना है, नीचे क्या लिखूं अब, तो इसका आंसर आ गया 10 मोल, बोलो ठीक है, H2 निकालना है, इसका भी H2 का भी कितना आएगा 10 मोल ही, तो ये मोल मोल रिलेशनशिप है बेटा, ठीक है ना, एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, आया क्या समझ में, ये बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोबारा बताओ, ये रेशियो हमेशा आपकी सेम रहेगी, यानी यदि आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, ठीक है, एन ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू
एन ऑफ बी अपॉन बी, एन ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपॉन डी। ये क्या है? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या लिखा हमने? स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशेंट। बस ये ध्यान रखना बेटे। बोलो आया क्या समझ में बेटे? इसको बोलते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। मान लो मोल दे दिया जाए आपसे वॉल्यूम पूछ सकते हैं, मोल दे दिया जाए आपसे मास पूछ सकते हैं, मोल दे दिया जाए मॉलिक्यूल पूछ सकते हैं बेटे। यानी ये सारी कहानी है बेटे, ये एक तरह से जाल है जो उलझा हुआ है और आपको इसको सुलझाना है। मोल, वेट, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, यही चीज आपको समझनी बेटे। सारा इसमें यूज मोल कॉन्सेप्ट का है बेटे। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक है। ये मैंने आज आपको एक सिंपल स्टाइकोमेट्रिक इन केमिकल रिएक्शंस आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तब तक आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।